विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में हो रहे धरना प्रदर्शन एवं पुतला दहन कार्यक्रम के तहत गुरुवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संवैचारिक संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धर्म जागरण मंच विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वाधान में बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रतीकात्मक पुतला दहन कचहरी चौराहे पर किया गया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने शेख हसीना की प्रतीकात्मक शव यात्रा भी निकाली जो हरिओम नगर से होते हुए कचहरी चौराहे पर आकर समाप्त हुई। तत्पश्चात कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा तथा ज्ञापन के माध्यम से बांग्लादेश सरकार से मांग किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमणों तथा अत्याचारों को रोकने हेतु कड़े कदम उठाएं तथा भारत सरकार से निवेदन किया है कि वह बांग्लादेश सरकार पर इन घटनाओं को रोकने हेतु दबाव बनाए एवं पीड़ित अल्पसंख्यक हिंदुओं को न्याय व सुरक्षा मिले, जान माल के नुकसान का उचित मुआवजा मिले तथा आक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर कठोरतम सजा दिलाई जाए। ज्ञापन में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री परमेश्वर, हिंदू जागरण मंच के प्रांत संगठन मंत्री मनमोहन बजरंग दल, गोरक्ष प्रांत सह संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी, अरुण प्रकाश मल, सुरक्षा प्रमुख मनोज गौड़, विश्व हिंदू परिषद महानगर संगठन मंत्री रोहित, मातृशक्ति संयोजिका विनीता पांडे, दुर्गा वाहिनी संयोजिका स्वीटी जायसवाल सहित विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बजरंग दल के प्रांत संयोजक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, सबको ज्ञात है विगत दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर असहनीय अत्याचार हो रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, बहु बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हिंदुओं के मान मंदिर को मठ मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यहां तक कि दुर्गा पूजा के समय में सबसे ज़्यादा सप्ताह में हत्याएं हुई और जितने भी दुर्गा पंडाल थे उनको तोड़ने का प्रयास किया गया। इसके विरोध में आज पूरे भारतवर्ष में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है और साथ में सरकार से मांग की है कि वह शेख हसीना सरकार को नींद से जगाए और उनको ये चेतावनी दे कि अगर वो नहीं चेती तो हिंदू जनमानस सड़कों पर उतर जाएगा। और हम लोग ने एक 5 सूत्री मांग भी रखी है जिसमें मुख्य है कि वहाँ के हिंदुओं को मान मर्यादा के साथ जीने का अधिकार मिले, जिनकी हत्याएं हुई हैं उन और उनकी जो हत्या करने वाले हत्यारे हैं उनको चिन्हित करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वहाँ से बांग्लादेश सरकार से अपने संबंधों को सुधारते हुए वहाँ के सरकार को निश्चित किया जाए कि वहाँ हिंदुओं की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित करें। अब इसके आगे अगर सरकार अपनी बात हम लोग पहुंचा रहे हैं, सरकार जैसा फिर आगे हम वहाँ की प्रक्रिया आएगी उस हिसाब से हम लोग फिर आगे सड़कों पर उतर के भी कार्यक्रम करेंगे।